खाकी से बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर सिटी के सेक्टर 37 स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम से लाखों की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात बीते शनिवार देर रात की है, जब सेक्टर 37 के इस अति व्यस्त इलाके का यह एटीएम रात को 8 बजे के बाद गार्ड न होने की स्थिति में अक्सर बंद कर दिया जाता था और बदमाशों को ये बात पता थी, जिसके चलते उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एटीएम को अपना निशाना बनाया। वे एटीएम शॉप में घुसे और गैस कटर से एटीएम को काटकर उसमें रखे तकरीबन 12.5 लाख कैश लूट कर ले गए। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। शनिवार की रात की घटना है। हमारा एटीएम 8 बजे बंद करके मैं चला जाता हूँ। रात में यहाँ कोई गार्ड नहीं रहता। मैं जनवरी से काम कर रहा हूँ। जब अगले दिन संडे को सुबह आया मैं, तो यहाँ पर शटर उठा था और ताला टूटा पड़ा था। क्या किया? फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, अपने ब्रांच ऑफिसर को कॉल किया और क्या नाम जो कैश डालने आते हैं उनको कॉल किया। गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन सेक्टर 37 के एरिया में, जो खांडसा के एरिया में पड़ता है, परसों रात एक एटीएम के चोरी का मामला सामने आया है, जो पुलिस स्टेशन सेक्टर 37 के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया है और रजिस्ट्रेशन के उपरांत उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उसमें लोकल पुलिस और क्राइम यूनिट की दो टीमें साथ साथ काम कर रही हैं और इसमें बहुत जल्द हमें जो हमारे पहलू हैं, सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसको ट्रेस आउट करने में सफलता हासिल होगी। इसमें जो बैंक की तरफ से गार्ड डेप्यूट किया गया था, वो सुबह 8 AM से शाम के 8 PM तक गार्ड इसमें डेप्यूट किया गया था। उसके बाद इसका किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी और शटर इसका बंद था, जो उन्होंने शटर उखाड़ करके इस वारदात को अंजाम दिया है। तो इसमें जो एक CCTV कैमरा लगा हुआ था, उस पर भी उन्होंने एक स्प्रे का जो है इस्तेमाल किया है। तो इसमें हमारी जो FSL की टीम है, फिंगरप्रिंट टीम है या जो डॉग स्क्वाड है, हर प्रकार की साइंटिफिक पहलुओं की इमदाद ली गई है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो इनसे इमदाद मिल पाएगी, उसको सफल बनाने में, जो 10 दिन में 2 घटनाएं हुए हैं, दोनों घटनाओं को सफल बनाने में हम कामयाब होंगे। समय पर जो ATM से रिलेटेड वारदात हुई है, हमने जो ATM से रिलेटेड वारदात हैं काफ़ी ट्रेस की हैं और इसमें भी जो अभी ये वारदात हुई हैं दो, इनमें भी हम इनको ट्रेस आउट करने में सक्सेस होंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी प्रॉपर तरीके से आरोपियों की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है और इसमें हमने अपने जो एक सोर्सेज हैं प्लस साइंटिफिक एविडेंस हैं, हर प्रकार के पहलुओं की इमदाद ले जा करके जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी। गुरुग्राम से करण जय सिंह की रिपोर्ट। समय समय पर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिए JSTV के साथ।